वर्ल्ड कप का 24वां मुकाबला और वो अहम कैच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 26वें ओवर की उस अहम कैच की जो शायद धुआंधार पारी पर रोक लगा सकता था मॉर्गन की। वर्ल्ड कप का 24वां मुकाबला भिड़ंत हुई अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने सामने वाली टीम को जमकर धोया। पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 397 रन कूट दिए, लेकिन इस भारी भरकम 397 रन से भी ज्यादा का ये मुकाबला यॉन मॉर्गन की बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में 148 रनों की धुआंधार पारी खेली, 57 गेंदों में शतक लगाया, 17 गगनचुंबी छक्के मारे, रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स के 16 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और भी कई रिकॉर्ड टूटे और बने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर मैच के 36वें ओवर में मॉर्गन का कैच पकड़ लिया जाता। दरअसल 36वें ओवर में राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे और सामने बैटिंग कर रहे थे यॉन मॉर्गन। उस वक्त उन्होंने 25 गेंदों पर सिर्फ 28 रन ही बनाए थे। ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद को छक्का मारने के लिए मॉर्गन ने स्लॉग स्लिप मारा, गेंद मिड विकेट के पास खड़े फील्डर दौलत जादरन के पास गई और वो कैच नहीं ले पाए। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जादरन ठीक से गेंद को टाइम कर पाते तो कैच कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने कैच टपका दिया और गेंद उचवे के लिए भी चली गई। इस तरह मॉर्गन 28 के बाद 32 पर पहुंच गए। पहले बार में फिर इस कैच की कीमत समझिए, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैच छूटने पर और राशिद खान की गेंदों की कुटाई पर अफगानिस्तान के कप्तान ने क्या कहा। इस मैच को टपकाने के बाद यॉन मॉर्गन ने कुल 148 रन की पारी खेली, 17 छक्के मारे। राशिद खान को भी 110 रन पड़े, जिसमें 66 रन सिर्फ छक्कों से थे। यहां तक कि उन्होंने सिर्फ 9 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन एक भी विकेट नहीं दिया। वनडे के इतिहास में किसी भी स्पिनर के साथ हुआ ये सबसे बुरा हादसा था। 397 पर 6 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्कोर, कुल मिलाकर किसी भी टीम का छठा सबसे बड़ा स्कोर। एक पारी में 25 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इंग्लैंड में अपना ही 24 छक्कों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। मॉर्गन ने 57 गेंदों पर विश्व कप का चौथा सबसे तेज शतक लगाया, 9 ओवर में 110 बनाए। विश्व कप में सबसे ज्यादा रन राशिद खान ने खाए। राशिद खान को 11 छक्के लगे, वनडे में किसी भी गेंदबाज के खिलाफ इससे ज्यादा छक्के नहीं लगे। पहली पारी खत्म होने के बाद बोर्ड पर 397 रन टंग चुके थे। दूसरी पारी में जब अफगानिस्तान की टीम खेलने आई तो 8 विकेट के नुकसान पर 247 रन ही बना सकी। इस तरह से इंग्लैंड ने यह मैच 150 रनों से जीत कर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। मैच खत्म होने के बाद रिवाज के मुताबिक अफगानिस्तान के कप्तान पत्रकारों से बात करने पहुंचे। सवाल उनसे सीधा सीधा राशिद खान से पर पूछा गया। फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो राशिद खान के लिए एक तरह से घाव पर मरहम वाला काम करता हुआ नजर आया। राशिद खान एक अच्छे गेंदबाज हैं, अफगानिस्तान के कप्तान गुलवदीन नायब ने कहा। वे T20 गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वनडे की बात करें तो वहां भी वो तीसरे नंबर पर हैं। मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब वो आउट हो सकते थे। राशिद खान ने ही उन्हें आउट कराने की कोशिश की थी, लेकिन कैच नहीं लपका गया। वो कैच निर्णायक था। अगर हमने वो कैच ले लिया होता तो वे इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाते। जब उनसे पूछा गया कि क्या राशिद खान ने उन्हें निराश किया, इस पर उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। वे विश्व क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हैं। ऐसा राशिद ही नहीं, किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। सभी जानते हैं कि वो कैसी गेंदबाजी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज उनका दिन नहीं था। अब आखिर में आप मॉर्गन का कैच छूटने की कीमत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 30 ओवर पर जिस तरीके से मैच में छक्कों की बरसात हुई वो अपने आप में यादगार है। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।